नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां बसपा ने तेज कर दी है। करीब 10 साल से सत्ता से दूर रही बसपा फिर सत्ता में आने के लिए लगातार अलग अलग माध्यम से संवाद कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ की पश्चिम विधानसभा से बसपा की तरफ से महिला सम्मेलन कराया गया, जिसके संयोजक बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान रहे। बता दें कि यह सम्मेलन पश्चिम विधानसभा के राजाजीपुरम क्षेत्र में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की धर्मपत्नी कल्पना मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के लिए हमेशा से बसपा ने काम किया है और आगे भी करेंगे। वहीं सम्मेलन के दौरान हमारे लखनऊ ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम के संयोजक और बसपा प्रत्याशी कायम रजा खान से खास बातचीत की। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, चाहे सपा की बात करें, चाहे भाजपा की, चाहे बहुजन समाज पार्टी की। लगातार प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ पश्चिम से प्रत्याशी कायम रजा जी। जानते हैं एक महिला सम्मेलन उन्होंने किया है, क्या कहना चाहेंगे महिला सम्मेलन के बारे में? महिला सम्मेलन क्योंकि महिला ही हमारी राजनीति की कड़ी है। हमारी माननीय बहन जी आयरन लेडी बहन जी भी एक महिला ही है, और महिला कैसे शासन चलाती है एक महिला ही जानती। घर से लेके परिवार से लेके पूरा ऊपर तक बहन जी चलाती। देखिए जैसे घर में महिला चलाती है शासन, वैसे बहन जी हमारी जो है शासन ऊपर चलाती। क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे इनके अलावा? जनता के बीच में मुद्दे तो इतने हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है पानी निकासी की, दूसरे पानी पीने की समस्या है, रास्ते गली सही नहीं है, दो तीन समस्याएं तो हमारे क्षेत्र में बड़ी जर्जर हैं, उनको लेके हम मैदान में आए हैं। हर पार्टी का एजेंडा होता है, पर व्यक्ति विशेष का भी अपना एक एजेंडा होता है जिसको लेकर वो जनता के बीच जाता है। जनता के बीच क्या एजेंडा लेके जाएंगे जो आपके क्षेत्र की जो जरूरतें हैं? हमारे क्षेत्र की बताया था रास्ता पानी और पानी की निकासी और बिजली, तीन समस्याएं जो जर्जर हैं उसी को लेकर हम फील्ड में आए हैं, और क्षेत्र ने हमें जिताया, पब्लिक ने जिताया, तो इस सारी समस्याओं का हल हम पूरी तरह से दूर करेंगे। हाल में ही कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा है कि विधानसभा जो चुनाव रहेगा उसमें 40% महिलाओं को सीट देंगी। क्या मानते हैं बहुजन समाज पार्टी भी ऐसी कोई पहल करेगी? देखिए उनके पास कोई विकल्प है नहीं, तो अभी महिला अभी कहीं कहाँ देंगी, किसी को देंगी, तो अभी फिलहाल अभी उनका 10 साल तक तो यहाँ कुछ नहीं है। आने वाली सरकार हमारी माननीय बहन जी की बनने जा रही 2022 में, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही माननीय बहन जी। हम लोग विधायक बनाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आखिरी बात जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही अनुरोध करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि जो है हमको आप विधायक बनाएं और इस क्षेत्र की समस्या को दूर कराएं। तो ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ पश्चिम से प्रत्याशी कायम रजा खान। उनका कहना है कि बहन जी ने पहले भी अपनी शासन का लोहा मनवाया है और लगातार जनता के बीच काम किया है। अब फिलहाल आने वाले भविष्य में क्या होगा, किसकी सरकार होगी, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से गतिविधि चल रही है और जिस तरह से साफ सुथरी छवि के लोगों को उतारा जा रहा है, निश्चित ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। सम्मानित साथियों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं कायम रजा खान, प्रत्याशी पश्चिम विधानसभा 171 का हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो, दीपावली, जमघट, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई हो। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आदर्श गांव के निर्माण को लेकर आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम प्रधानों को संबोधित किया। कार्यक्रम में 135 आंगनबाड़ी केंद्रों को विभिन्न कॉलेजों और कृषि महाविद्यालयों की तरफ से मदद के तौर पर बच्चों को पढ़ने और खेलने के सामान बांटे गए। इस दौरान उन्होंने अपने बतौर शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात में बच्चों के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार का माहौल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गाँव में एक भी बच्चा कुपोषित न रह जाए, इसके लिए केवल सरकार की जिम्मेदारी न रहे बल्कि हर वर्ग को सोचना चाहिए। गाँव में आपसी राजनीति और मारपीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि गांव में एक शांति समिति होनी चाहिए जो आपसी विवाद को निपटाने का काम करे। कि जो सहकारिता है, सरकारीकरण से सहकारिता को ज्यादा तवज्जो दी गई है, और क्योंकि उसमें लोगों का मूल्य है, उसमें साथ उनके साथ भागीदारी होती है, उसके अंशदान होते हैं।
लेकिन उत्तराखंड के अंदर सहकारिता को पूरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। जो यहाँ पर हमारी जो प्रारंभिक जो ऋण सोसाइटीज़ हैं जिनको पैक्स कहते हैं, उन सोसाइटी में जिस तरह से कंप्यूटर आया है और हर सोसाइटी से 5,60,000 के हिसाब से वसूली हुई है और उनको 80,000 रुपये का या 82,000 रुपये का एक कंप्यूटर पकड़ा दिया गया है, तो ये और बाकी पूरे मामले में पूरा अंधकार है, ये अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड की सरकार सहकारिता को पूरी तौर पर नष्ट कर रही है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपना अपना पक्ष जनता के बीच रख रही हैं। इसमें सत्ता पर आसीन भाजपा भी लगातार जनता से संवाद कर अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश कर रही है। चाहे मंत्री हो चाहे विधायक, सब अपने काम को विभिन्न माध्यमों से जनता को साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ की उत्तर विधानसभा के विधायक नीरज बोरा से हमारे लखनऊ ब्यूरो ने खास बातचीत की, देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं विकास भी होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ की अगर उत्तर विधानसभा की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है विधायक नीरज बोरा जी। उनका कहना है कि सरकार ने जो हमको सुविधाएं दी, जो हमने काम किया, वो आज जनता के सामने है और लगातार काम करते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें छूटी भी हैं तो महज कोरोना के काल की कुछ कमियां भी रही हैं और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा काम जनता के लिए किया गया है और उनके द्वारा लगातार आज भी मेहनत की जा रही है। सर ये बताइए कि जिस तरह से काम किया गया, आपने तमाम चीज़ें बताई हैं, क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है कहाँ पर असर पड़ेगा इस चीज़ का? देखिए हमारा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की श्रद्धेय योगी जी की सरकार जो है उसने बहुत काम किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। और अब मैं बताऊं कि लखनऊ उत्तर विधानसभा की अगर हम बात करें तो इसमें बड़ा क्षेत्र आता है जो कि गरीब क्षेत्र, मलिन क्षेत्र के मलिन बस्तियों का क्षेत्र है जहां पर काफ़ी EWS कॉलोनियां हैं। तो उस क्षेत्र में लगभग 800 से अधिक हमने कच्ची गलियों को पक्की में परिवर्तित किया है, बड़े पैमाने पर रोड बनी है। सीवर जहाँ पर शून्य था वहाँ पर घर घर सीवर का कनेक्शन करने का काम किया है। जहाँ पर लोगों के घर का पानी की निकासी सड़क के ऊपर होती थी और घरों में प्लाटों में पानी भर जाता था, आज अगर आप फैजुल्लागंज का दौरा करेंगे तो बड़े पैमाने पे आपको दिखेगा, चूँकि पानी की निकासी को हमने समाधान कर दिया है सीवर के मार्फत, तो अब वहाँ पर लोगों को सुविधाएँ बेहतर हुई हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो वहाँ पर अक्सर पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि हर बार अखबारों में सुर्खियों में रहता था फैजुल्लागंज की वहाँ पर महामारी फैली हुई है। 17 के बाद से आज तक वहाँ महामारी ने अब प्रकोप नहीं दिखाया है। उसका कारण यह है कि जल निकासी की समस्या का समाधान हुआ, एंटी लार्वा का स्प्रे रेगुलर बेसिस पर किया जाता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बराबर छिड़काव किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमने दाऊदनगर में सबसे पहले डिस्पेंसरी शुरू की, हमने रहीमनगर डुडौली में डिस्पेंसरी शुरू की, हमने फैजुल्लागंज प्रथम में महर्षि नगर के पास वहाँ पर डिस्पेंसरी शुरू की। फिर चूंकि फैजुल्लागंज एक प्रोन एरिया था तो इस वजह से हमने वहाँ पर पहले PHC सेंक्शन कराई, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आकर वहाँ पर अब वहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसका निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य जहाँ पर ठीक हो जाए और लोगों की बेसिक प्रॉब्लम्स का हम सलूशन कर लें तो उस क्षेत्र में उसे विकसित क्षेत्र ही माना जाएगा। और क्षेत्रीय विकास निधि से मैंने वहाँ बांस बल्ली हटाने के लिए भी पैसा दिया और बांस बल्ली हटा के बड़े पैमाने पे बिजली के पोल लगाए गए। तो यह तो फैजुल्लागंज की बात है। और अगर हम जानकीपुरम की बात करें तो वहाँ जल भराव की समस्या थी, वहाँ पंप हाउस लगा, वहाँ पर आपने देखे टेढ़ी पुलिया एक जाम की समस्या थी, वहाँ फ्लाईओवर बना दिया, माननीय रक्षा मंत्री जी की कृपा से वहाँ पर एक फ्लाईओवर बना, आज वहाँ सुगम हो गया है रास्ता। और इसके अलावा आप देखिए चाहे अलीगंज का क्षेत्र हो, चाहे खदरा का क्षेत्र हो, और चाहे पर्यटन की दृष्टि से अगर आप देखें तो हुसैनाबाद में जहाँ पर अपना क्लॉक टावर है, घंटाघर है, वहाँ पर जो कुंड था उसमें म्यूजिकल फाउंटेन प्रारंभ हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। तो पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर एक फूड कोर्ट बन रहा है, एक म्यूज़ियम बन रहा है जहाँ पर पर्यटक आएगा तो वो घूम सकता है, और फूड कोर्ट में उसे उत्तर प्रदेश लखनऊ के जो प्रसिद्ध व्यंजन है जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है उस सारे फेमस फूड स्टोर्स वहीं पर मिल जाएंगे, एक ही जगह पर पर्यटक रुके। और वहाँ पर तो जैसे पर्यटन आप देख रहे थे कि लोगों का क्रेज़ हो गया था, लोग गोमती नगर की तरफ जाते थे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे सब पुराने लखनऊ आने लगेंगे, घूमने आने लगेंगे, शाम को यहाँ पर व्यतीत करने लगेंगे। गुलाला घाट हमारे क्षेत्र में आता है, वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की, सौंदर्यीकरण हुआ। कुड़िया घाट जहाँ पर माननीय अटल जी से जुड़े हुए थे हम,
तो अटल जी के वजह से उनके ना रहने पर हम लोग को उनकी यादें वहाँ पर हैं, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ, चौक में मल्टी लेवल पार्किंग बनी, स्टेडियम में खेलकूद की दृष्टि से बहुउद्देशीय हॉल बना, चौक गोल दरवाजे का सौंदर्यीकरण हुआ, इस प्रकार अनेकों काम है। शिक्षा के क्षेत्र में लें तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने महिला महाविद्यालय है अलीगंज में, उसमें हम लोगों ने पीजी ब्लॉक बनवा दिया जहाँ पर बच्चियाँ हमारे क्षेत्र की पढ़ती हैं। तो हर दृष्टि से लखनऊ विश्वविद्यालय को लें तो नए विश्वविद्यालय परिसर में वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के शुभारंभ हुआ, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है, सत्र प्रारंभ हो चुका है, हर क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम हुआ है। और मुझे लगता है कि हम लोगों का जो दावा है कि सोच ईमानदार काम दमदार और फिर एक बार भाजपा सरकार, हम उसमें सफल होंगे। ये होता है जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश था कि 20 सितंबर से 20 नवंबर तक सारी जो सड़कें उत्तर प्रदेश की गड्ढा मुक्त की जाएंगी, ये इस पर काम जारी है। अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो कहाँ तक सफल हो पाए हैं? बड़े पैमाने पे प्रारंभ हो गया है, जो नगर विकास की सड़कें हैं नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, उन्होंने भी गड्ढा मुक्ति का काम प्रारंभ किया है। कुछ सड़कें यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हैं, उस पर भी काम प्रारंभ हो गया है। और जो एक समय अवधि दी गई है कि 15 नवंबर, मुझे लगता है नवंबर माह में हम गड्ढा मुक्ति और पैचिंग का काम कर लेंगे और बड़े पैमाने पर नई सड़कों का निर्माण भी होगा जो संभव है। सुनने में आया था सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी, सीवर की समस्या को सुलझाने के लिए ये क्या प्रयास किया आपके द्वारा है? ये सीवर की समस्या एक बड़ी समस्या थी, बहुत सारा क्षेत्र था जिसमें सीवर था ही नहीं, वहाँ पर सीवर की लाइनें पड़ना, सीवर का घर घर कनेक्शन देना, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था कि हम हर घर को निःशुल्क सीवर का कनेक्शन देंगे और पानी का कनेक्शन देंगे। पूर्व में सीवर कनेक्शन और पानी के कनेक्शन के लिए पैसे जमा होते थे, हमारी सरकार फ्री में दे रही है और सीवर के कनेक्शन बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में सीवर के कनेक्शन किए गए हैं। पानी के कनेक्शन भी जानकीपुरम में एक हमने 20 करोड़ की योजना से पानी के कनेक्शन का कार्य संपादित कराया, लोगों को घर घर पानी का कनेक्शन दिया। जो और अविकसित नया क्षेत्र है उसके लिए भी सीवर का एक बड़ा प्रस्ताव बनकर अमृत योजना के अंतर्गत भारत सरकार को गया हुआ है, बहुत शीघ्र ही उसकी अनुमति मिल जाएगी। तो जो शेष रह गया हिस्सा है वहाँ पर भी सीवर के एसटीपी प्लांट की भी कोई कार्ययोजना आपने बनाई? जी बिल्कुल, एसटीपी प्लांट भी प्रस्तावित है और वो उसका प्रस्ताव बनकर तैयार है, बहुत शीघ्र ही दाऊदनगर क्षेत्र में एसटीपी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा, जो इधर के क्षेत्र का सीवेज है उसका ट्रीटमेंट वहीं हो जाएगा। आपके मुताबिक आने वाली भविष्य में और कौन सी कोई योजना है, अगर यहाँ की जनता आपको दोबारा मौका देती है तो कौन कौन सी योजनाएँ रहेंगी जिन पर आप काम करेंगे और जनता को बेहतर काम करके दिखाएंगे? देखिए, एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, इस क्षेत्र के लोगों का ये कहना था कि एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर अभी गोमती तट पर बंध नहीं है। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री से प्रथम दिवस से कहा था कि फैजुल्लागंज का क्षेत्र जो है वहाँ पर बंधा नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने उससे बढ़कर कार्य संपादित किया है, योजना का प्रस्ताव को अनुमति दी है। अब सीतापुर आईएम बाईपास से गोमती के दोनों तट पर 6 लेन की रोड प्रस्तावित है और बंधे की प्रस्तावित है, और यह 6 लेन की रोड इधर से प्रारंभ होकर इकाना क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ेगी। तो आने वाले समय में लखनऊ वालों के लिए, पूरे लखनऊ के लोगों के लिए वो लाइफ लाइन सिद्ध होगी, लोग उसी पर ही ट्रैवल करते आपको नजर आएंगे 6 लेन पर, जिसको जहाँ जाना होगा वहीं से एंट्री करेगा, वहीं से एग्जिट करेगा। तो जो ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या थी वो पूरी होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण हमारी इच्छा थी कि हमारे इस क्षेत्र में भी मेट्रो आए, क्योंकि मेरे क्षेत्र में सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन छूता है, वो लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो मैंने इसके लिए लिख के भेजा था और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेट्रो का विस्तार है उसमें उन्होंने इसको DPR में लेकर सम्मिलित कर इसको भी संस्तुति प्रदान की है। अब मेट्रो हमारे इस पूरे क्षेत्र से होती हुई IIM तक आ रही है, IIM संस्थान जो है उसको जोड़ने का काम होगा, तो एक मेट्रो की सुविधा भी हमारे क्षेत्र को मिलने वाली है। तो सड़क की बढ़िया सुविधा जिससे ट्रैफिक से हम लोग को परेशानी हल हो, और मेट्रो की सुविधा से मुझे लगता है यातायात में बड़ा अच्छा कार्य होगा। अब अगर सवाल राजनीति का करें तो अभी हाल में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी आए थे, उन्होंने मेरा परिवार भाजपा परिवार के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, सदस्यता अभियान शुरू किया था, उसमें आपकी विधानसभा पर क्या कुछ काम हो रहा है और कैसी गतिविधि चल रही है? हम लोग लगातार मेरा परिवार भाजपा परिवार के सदस्यता कैंप लगा रहे हैं, शिविर लगा रहे हैं, आज के दिवस पर भी हमारे कई कैंप हैं, शिविर हैं। और मैं देख रहा था कि शिविर जो लग रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि किसी को बुलाना पड़ रहा है, हर शिविर में भीड़ खड़ी है, लोग स्वयं आ रहे हैं और स्वयं आके कह रहे हैं कि हम भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और मिस कॉल देकर अपना भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोगों का विश्वास हो गया है
और लोगों का विश्वास देखिए किसी बात का इसलिए होता है कि जब कोई पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करती है तो वो घोषणा पत्र को देखती है कि किसने कितना पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने घोषणा पत्र की सब कार्यों को पूरा किया है। आज जो दीपावली का पर्व है उसको हम लोग मना रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके माध्यम से आपके सारे व्यूवर्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। लेकिन इस बार की दीपावली कुछ अलग होगी, क्योंकि जैसा हमारी मान्यता है, हम कल्पना करते हैं कि भगवान राम जब लंका से जीत कर वापस अयोध्या आए थे तो जो उस समय की अयोध्या में भगवान का स्वागत हुआ होगा, उसी कल्पना के आधार पर इस बार भी अयोध्या और पूरी अवध को सजाया जा रहा है, लखनऊ को भी सजाया जा रहा है। पूरे अवध में स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, दीपों से सजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम का राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। भगवान राम अपने मंदिर अपने गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए लोगों को प्रसन्नता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी बुनियाद पड़ी थी कि राम मंदिर बनेगा, 370 समाप्त की जाएगी, 35 समाप्त किया जाएगा, वो सब मांगे घोषणा पत्र में लिखी थी और सब पूरी हो गई। तो लोगों को अब विश्वास हो गया है कि जो बीजेपी कहती है वो करती है। अगर योगी सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल लें और आपका कार्यकाल लें, संयुक्त रूप से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, ये तो स्वयं सब चीज़ सिद्ध है। मैं तो अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से मुतमइन हूँ कि हम बहुत कार्य करने में सफल रहे, और कोरोना जैसी महाविभीषिका में भी हम लोगों के साथ खड़े थे, लोगों के संकट में साथ खड़े थे, और लोगों की जो भरसक प्रयास हो सकते थे मदद भी की गई। उस समय विपक्ष का एक कार्यकर्ता भी कहीं सड़क पर नज़र नहीं आता था, न किसी से हालचाल पूछता था कि तुम्हारी क्या सहयोग हो सकता है। अगर सड़क पर आपको दिखेगा सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता दिखेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि योगी सरकार ने बहुत काम किए हैं, 5-5 बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे आपको मालूम है कि बनकर तैयार हैं, और प्रदेश के अंदर एक बड़े पैमाने पर 30 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए हैं। तो हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा में आप जानते हैं कि क्या हालात थे सरकारी स्कूलों के, आज सरकारी स्कूलों में कितनी भीड़ है, कितनी संख्या बढ़ गई है, हर क्षेत्र में कार्य हुआ है, तो जनता इसको समझती है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव भी है और बहुत सरगर्मियाँ तेज हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको शुभकामनाएँ देता हूँ, और इस दीपावली पे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेशवासियों को कोरोना मुक्त करे प्रभु, और लोग स्वस्थ रहें, और सबका वैक्सीनेशन जरूर हो जाए। क्योंकि जब हम दूसरे देशों की घटनाएं सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वैक्सीनेशन ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी जनता को सुरक्षित रख सकते हैं, और जल्द से जल्द सबका वैक्सीनेशन हो जाए। और विकास तो हो रहा है, बहुत तेज़ गति से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम भारत जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी जिसको बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1 ट्रिलियन इकॉनमी उत्तर प्रदेश की बनाने का जो सपना देखा है, जो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में, विकास के मामले में बहुत निचले पायदान पर था, आज अगर प्रथम पायदान प्रदेश में है, तो हम ये से स्थिति स्पष्ट है। धन्यवाद। तो ये थे उत्तर विधानसभा से विधायक नीरज बोरा। इनका कहना है कि हमने पहले भी काम किया था और करते आ रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी अगर जनता हमको दोबारा मौका देती है तो फिर विकास की धारा को बहाएंगे। अब आने वाले भविष्य में क्या होगा, जनता किसको चुनोगी, ये फिलहाल वक्त बताएगा। पर जिस तरह से विकास के दावे कर रहे हो, विकास किया भी है, उसको देखते हुए जनता आने वाले भविष्य में विकास को तरजीह देगी या जातिवाद को तरजीह देगी, या नीरज बोरा को दोबारा इस सीट पर बैठाकर विकास की धारा को बहाती नजर आएगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। मुरादाबाद में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। इस दौरान बीजेपी के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, और गोपाल अंजान का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गोपाल अंजान ने कहा कि कार्यकर्ताओं के स्नेह और आशीर्वाद से जो दायित्व मुझे दिया गया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं काम कर रहा था, मैं भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूं। हमारे संगठन ने और सरकार ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है कार्यकर्ताओं के स्नेह और आशीर्वाद से, और इस पुनीत अवसर पर आज हमको जिस दायित्व को दिया गया है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
जिस मंच पर मैं बैठा हूँ, इस पर हमारे जिस सदन का मैं सदस्य बनने जा रहा हूँ, उस सदन के अधिष्ठाता आदरणीय जयपाल सिंह जी बिष्ट का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके कुशल मार्गदर्शन और संरक्षण में हमको एक सदस्य के रूप में काम करना है। और उसी सदन में माननीय भूपेन जी एक मंत्री के रूप में होंगे, तो आप समझ लो एक साधारण कार्यकर्ता का कद बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज हमारा कद बढ़ा है, कल भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का भी कद बढ़ेगा। यहाँ जातिवाद सांप्रदायवाद नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वही आगे बढ़ाया जाता है। आज सिद्ध हो चुका है, यहाँ वंशवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ पैसे का बोलबाला नहीं है। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया है। और हम सब लोग 2022 के चुनाव में 350 पार करके माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के संरक्षण में पुनः सरकार को बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का फिर परचम लहराएगा। और मुरादाबाद से उन्नाव में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं ने जिलाधिकारी के साथ सीधे हक की बात की है। डीएम ने इस मिशन की शुरुआत की और मोबाइल फोन से सीधे बात की। 2 घंटे तक चलने वाले हक की बात में स्थानीय समस्याओं के साथ पुलिस, जमीन, राजस्व, घरेलू हिंसा, दहेज जैसी समस्या पर अपने सुझाव दिए। मौके पर डीएम ने संबंधित समस्या के निस्तारण के आदेश भी दिए। शासन के निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति का कार्यक्रम जनपद में ही चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हक की बात जिलाधिकारी के साथ का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जनपद की जो महिलाएं हैं उन्हें कोई समस्या है तो वो सीधे मुझसे बात कर सकती हैं। उनकी समस्या जिस विभाग 3 महीनों से 10 सूत्रीय मांगों के लिए प्रदर्शन पर बैठे मिलर्स ने राइस मिलों पर ताला लगा दिया है। मांगे नहीं पूरी होने तक मिलों बंद रहेंगी और इसकी चेतावनी दी गई है। मिलरों ने ताला बंद करके जिला विपणन अधिकारी को चाबी भी सौंप दी है। मांगे पूरी नहीं होने पर सभी मिलर्स में आक्रोश देखने को मिल रहा है। महंगाई के हिसाब से मजदूरी नहीं मिलने से परेशान दिख रहे हैं मिलर्स। हम लोग उत्तर प्रदेश राइस मिल वेलफेयर एसोसिएशन के संगठन के पदाधिकारी और सदस्य हैं, जिले के राइस मिलर हैं। हम लोग विगत कई सालों से राज्य सरकार का CMR कस्टम मिलिंग चावल उठते आ रहे हैं। इस साल डीजल जो है 100 रुपया से ऊपर हो गया है, मजदूरी भी बढ़ गई और राज्य सरकार की जो पुरानी नीति है 10 रुपये प्रति कुंटल कुटाई और जो है ये सब सारे मामले जो है पुराने ही रह गए और लेबर चार्ज कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। जब तक हम लोगों की मांग मानी नहीं जाएगी, जो हमारे प्रदेश संगठन के लोग अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग सरकार का धान कूटने का काम नहीं करेंगे। राइस मिलर की शासन से कुछ मांग है और वो शासन से मांग किए हैं, शासन भी उनके भी उस पर विचार कर रहा है। क्योंकि अभी तक हो नहीं पाया है तो उसी के विरोध में आज वो अपना चाबी जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में देने आए थे। लोक गायक ब्रिजेश विश्वकर्मा ने अपने साथियों के साथ गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान निर्णायक मंडल और संबंधित विभाग के अधिकारियों पर पक्षपात और धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। लोक गायिका सुश्री दुबे ने बताया कि 10 लोगों की हमने एक टीम बनाई है जो लोक गायन करते हैं। बीते 27 अक्टूबर को युवा कल्याण विभाग कल्याण कार्यालय के पास राप्ती नगर स्पोर्ट्स कॉलेज पर युवा कल्याण विभाग के युवा उत्सव में लोकगीत की प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें पूरी टीम के साथ हम लोगों ने प्रतिभाग किया था। हमारी टीम लगभग 3 वर्षों से प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है, लेकिन हर साल एक ही निर्णायक मंडल को बुलाया जाता है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी के सदस्य राकेश श्रीवास्तव और हरि प्रसाद सिंह और मानवेंद्र त्रिपाठी शामिल रहते हैं और निर्णायक मंडल व विभाग के अधिकारी हर साल प्रतियोगिता में धांधली, मनमानी और पक्षपात करते हैं।
ये यूथ फेस्टिवल का कंपटीशन हुआ है, नेशनल लेवल का ये कंपटीशन है, उसमें सीधे सीधे धांधली हुआ है हम लोगों के साथ। सर इसमें तो आए थे, निर्णायक मंडल में थे राकेश श्रीवास्तव सर, हरिप्रसाद सर और मान्य त्रिपाठी सर, जिसमें ये 3 सालों से ये लोग बस हम लोग की टीम को बार बार सेकंड ये लोग कर दे रहे हैं, जबकि सही चीज़ बताने पे बार बार ये लोग गलत कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि सर उचित कार्रवाई। प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ शहरों में ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति है। नेचर फ्रेंडली ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों की आड़ में कुछ पटाखा फर्म पुराने चलन के पार्टिक्यूलेट मैटर पटाखों का स्टॉक निकालने में लगे हैं। जिलाधिकारी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने भी आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अधिकतर पटाखा व्यापारी ग्रीन पटाखों को लेकर जनता की कम जागरूकता का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते पुराने पटाखों के मैटर पटाखों को बेचकर लाखों मुनाफा कमा रहे हैं। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस विभाग द्वारा भी इसको अनुपालन करने को सुनिश्चित किया गया है कि केवल ग्रीन पटाखे जो बेरियम मुक्त होते हैं केवल उन्हीं को जलाया जाए। तो इसको हम पुलिस के प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने का अभियान जो चलाया जा रहा है। इसके अलावा जनता के लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न ऐप हैं, प्ले स्टोर पर सोशल मीडिया से आप जानकारी कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके कि वो ग्रीन पटाखे हैं कि नहीं। तो उससे सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि दूषण मुक्त। प्रतापगढ़ के बेसी पूर्वा में आयोजित भागवत का आयोजन आखिरी दिन था, और जिसमें कथा व्यास आचार्य अरुण त्रिपाठी जी ने कहा कि भागवत कथा व्यक्ति को ज्ञान देता है कि हमारे लिए दुनिया प्रणव में है और हमें सभी को प्रणाम करके सभी का सम्मान करके चलना चाहिए, क्योंकि भगवान का वास संसार के सभी जीव में होता है। भागवत श्रवण का जो मूल उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्त और भागवत धर्म को स्वीकार करना। भागवत धर्म ये कहता है कि प्रणमेत दंडवत भूमा अश्वचांडाल गोखरम। भागवत श्रवण के माध्यम से हमको यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारे लिए यह पूरी दुनिया प्रणम में है, सबको प्रणाम करना चाहिए, कुत्ते को, चांडाल को, गधे को, मनुष्य को, पशु को, पक्षी को, सब प्रणम में है। तो विषय यह आया कि जब पूरा विश्व प्रणम में है और हम सुबह से शाम तक पूरे जीवन में प्रणाम करें तो इनका प्रणाम निवेदन नहीं हो सकता है, हम भागवत धर्म कैसे स्वीकार करें। तो प्रहलाद जी ने पाषाण प्रतिमा से भगवान को प्रकट किया। शालिग्राम शिला की जो पूजन की व्यवस्था है, पूरा ब्रह्मांड गोल है, शालिग्राम भगवान गोल है, भगवान का। वहीं अब अगली खबर फतेहपुर के थाना बवेवर गांव हरदासपुर का है, जहां विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित डीसीएम की टक्कर से एक युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पास में खड़ी वैन भी टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि घायल युवक की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस को सकूराबाद के पास ड्राइवर और कंडक्टर को डीसीएम सहित अपने हिरासत में ले लिया है। फतेहपुर के औंग थाना क्षेत्र में फर्जी फूड इंस्पेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर औंग में तैनात उपनिरीक्षक अमित यादव किराना स्टोर नेशनल हाईवे हाजीपुर तिराहा पहुंचे और फर्जी फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। अमित यादव किराना स्टोर एवं मिष्ठान भंडार जो नेशनल हाईवे किराना स्थित है, यहीं पर आरोपी फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर वसूली कर रहा था। मथुरा के थाना सुरीर और थाना नौझील में 2 अज्ञात बच्चों के शव के मिलने से हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस फोर्स ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही दोनों अज्ञात बच्चों की शिनाख्त में भी पुलिस जुट गई है।
फतेहपुर के विकासखंड देवमई के प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में आयोजित हो रही दिवाली की छुट्टियों से पहले छात्र छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया। रंगोली में बनाए गए चित्रों को देखकर शिक्षक भी छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को देखकर हैरान रह गए। बच्चों की प्रतिभा को देखकर जोगापुर ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार ने बच्चों को पुरस्कृत करके उनका हौसला बढ़ाया। जनपद सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर जनपद पुलिस ने 198 कुख्यात अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। अक्टूबर महीने में पुलिस की एनडीपीएस एक्ट लूट चोरी शराब माफियाओं हत्याओं की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। जनपद पुलिस ने अवैध शराब कच्ची शराब बनाने के मामले में 34 शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा है। एसएसपी सहारनपुर ने बताया कि लगातार ऐसे ही अपराधों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम दिया जाता रहेगा। देखिए माह अक्टूबर में अपराध के प्रति एक विशेष अगेंस्ट एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिस क्रम में 198 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से अवैध शराब, अवैध शस्त्र, नारकोटिक सब्सटेंसेस इससे रिलेटेड अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा हत्या की जो घटनाएँ हुई थी उनका अनावरण हुआ है, चोरी की ज़्यादातर घटनाएं हैं उनका अनावरण हुआ है और लूट की घटनाओं का भी अनावरण हुआ है। और मॉनिटरिंग सेल जो पुलिस का मॉनिटरिंग सेल होता है उसकी सशक्त पैरवी करते चलते हुए दो अपराधियों को भी वही। अब अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां स्कूली बच्चों की बनाई गई रंगोली की तारीफ करते हुए हालिया इंस्पेक्टर ने बच्चों को मिठाई बांटी। पूर्व माध्यमिक विद्यालय हालिया में पहुंचकर हालिया प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बच्चों को दिवाली रंगोली के प्रति जागरूक किया, जिसके बाद बच्चों ने मनमोहक रंगोली बनाकर प्रभारी निरीक्षक के साथ दीप प्रज्वलित किए। दिवाली का त्योहार मनाया गया, साथ ही प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बच्चों को पटाखे आदि से दूर रहने के लिए भी कहा और घर में बड़ों के साथ दिवाली के दिन दिए जलाने के लिए कहा। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने के बारे में बताया। सर ऐसा है, हम तो जब से आए हैं तब से करवा रहे हैं ये, क्योंकि संरचनात्मक होती है जी। बच्चे को अंदर जितना क्रिएटिविटी करवाएंगे जी उनके भी दिमाग में भी अलग अलग चीज़ें करने की हमसे हमेशा जो है उत्सुकता बनी रहेगी जी। और ये हमेशा हर शनिवार को निबंध लेखन प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन और मीनिंग वर्ड पावर सब सारी चीज़ें हर सारी प्रतियोगिता जो है। मिर्जापुर शहर कोतवाली पुलिस ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वाहन चोरों की पुलिस महीनों से तलाश कर रही थी। लगातार शिकायत के चलते थाना शहर कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से दो चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि दो चोर फरार हो गए हैं। देखिए बाइक चोरी शहर में हो रही थी और उसी के प्रदेश में पुलिस अपना कुछ गाड़ाबंदी और कुछ डिक्वाय का डिप्लॉयमेंट किया गया था और हम लोगों ने फुटेज वगैरह भी प्राप्त किया था, जिसके आधार पर एक आध दो चोरों की पहचान हुई थी, जिसके आधार पर दो लोगों को पकड़ा गया है। एक धीरज गोस्वामी नाम का चोर है और एक अयोध्या नाम का है, दोनों पकड़े गए हैं। दोनों के पोजीशन से दो बाइकें बरामद हुई हैं, एक HF है और एक सुपर स्प्लेंडर है। दो लोग इसमें और वांछित हैं, राजकुमार और राजनाथ, उनकी भी तलाश की जा रही है, जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गाड़ियों की बरामदगी इसमें हो सकती है, अभी फिलहाल दो गाड़ियां बरामद की गई हैं। 20/9 को एक घटना हुई थी और एक रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कचनावा गांव में दो दिन पहले हुई मौसी भांजी की हत्या मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारोपी मृतका के पति का भांजा बताया जा रहा है, जबकि हत्या के पीछे का कारण लूट बताया गया है। पुलिस ने मृतका के घर से लूटे गए 40,000 नगद और जेवरात भी बरामद किए हैं। लोग वहाँ पटाखे का निर्माण कर रहे थे, जिसमें कि वहाँ आग लगने के कारण ब्लास्ट हो गया, जिसमें कि तीन लोग इंजर्ड हुए हैं, एक की स्थिति गंभीर है, बाकी अन्य दो लोग सामान्य हैं, उनका उपचार कराया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर चर्चा है कि इसका लाइसेंस एक साल पहले निरस्त था, उनके लाइसेंस के बारे में जाँच कराई जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रामपुर के आरसल पारसल गांव में कुछ दिनों से तेंदुए को लेकर लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना पर वन विभाग ने टीम लगाकर बांकिंग शुरू कर दी है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया। करीब 20-25 दिन पहले मेरे पास सूचना थी कि जो स्वार तहसील है उसके आरसल पारसल गांव में तेंदुआ देखा गया है, उसकी एक वीडियो क्लिप भी आई थी। तो मौके की गंभीरता को देखते हुए मैं तत्काल रेंजर की अध्यक्षता में टीम गठित करी, वो सुबह शाम वहाँ कोमिंग कर रही थी, क्षेत्र की सघन जांच कर रही थी। एक्चुअली मेरा मानना है कि जब भी वाइल्ड लाइफ का कोई केस होता है तो उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके जो पगमाक आए वो कहाँ पर है, उस एनिमल का बिहेवियर कैसा है और उसका नेचर कैसा है। तो हमारी टीम इन चीज़ों पर काम कर रही थी, मेरे संपर्क में थी। हम लोग इन चीज़ों पर काम करने के बाद इस नतीजे में पहुँचे कि वहाँ पर लेपर्ड की उपस्थिति है। तो मौके की जो संवेदनशीलता है उसको देखते हुए मैं तत्काल वहाँ उच्च अधिकारी से परमिशन लेके पिंजरा लगवाया और वहाँ कंटिन्यूस उसमें हमने एक बकरी बांधी। तो कई दिनों से वो पिंजरे के आसपास तो घूम रहा था लेकिन उसमें आ नहीं रहा था, तो हमने उसकी लोकेशन के आधार पर अपने पिंजरे की लोकेशन चेंज की और आज सुबह करीब 5 बजे हमें सफलता मिली है। और रामपुर के आरसल पारसल में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां तेंदुए को पकड़ लिया गया है, सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे पकड़ने में वन विभाग की टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।